देशरे लगातार कमुची कांग्रेस विधायकों संख्या। देशरे मोट 4033 विधायकों मध्य कांग्रेस वर्तमान केवल 658 कांग्रेस 2014 रे 24% विधायक कांग्रेस 2023 आसु आसु 16% हेलाणी। चारि राज्य रे जणे हेले नाहंती कांग्रेस विधायक। केबे संपूर्ण भारत उपरे अखंड शासन करूथिबा कांग्रेस स्थिति धीरे धीरे खराब हेबारे लागिछि। कांग्रेस को देशर लोक माने अस्वीकार करिबारे लागिछन्ति। 2014 मसिया परठारु कांग्रेस विधायक मानक संख्या देशरे ह्रास पाइबारे लागिछि। कांग्रेस पूर्वतन सभापति राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करिबा और विदेश रे जाई भाषण देबार कौनसी सुफल कांग्रेस तरफ मिलू ना देखा मिले ना। एवं उत्तर पूर्वर तीनोटी राज्यर निर्वाचन फलाफल आसी निर्वाचन फलाफल कांग्रेस को अत्यंत निराश कर कांग्रेस सूर्य पूर्व उदय हो पारि ना। नागालैंड में कांग्रेस शून्य थिला और शून्य रही। त्रिपुरारे कांग्रेस शून्य थिला ताहा बढ़ी 3 रे पहुंची। मेघालय रे कांग्रेस विधायकों संख्या 21 थिला जहां खसी 5 रे पहुंची। कांग्रेस स्थिति 2014 परठारु एभली खराब रही। किछि राज्य को छाड़ी देले देशर एही सर्व पुरातन पार्टी धीरे धीरे शेष होबारे लागिछि। संपूर्ण देश में थिबा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश मानक मोट 30 विधानसभा रही। एही 30 विधानसभा रे मोट 4033 विधानसभा आसन रही। वर्तमान कांग्रेस रो एथिमध्यरु 658 जन विधायक अछन्ति। 2014 मसिया रे कांग्रेस रो मोट विधायकों संख्या 999 थिला। एहा मोट विधायकों संख्यार 24% थिला। हेले मोदी शासन रे कांग्रेस रो विधायक संख्या लगातार ह्रास पाई। एबे ता ह्रास पाई 16% को खसी आसी। 4 राज्य में कांग्रेस जड़े हेले विधायक नहांती। 9 राज्य में कांग्रेस विधायक मानक संख्या 10 रु कम रही। 1951 मसीह तमिलनाडु को छाड़देले समस्त राज्य में कांग्रेस सरकार थिला। हेले आज दिन में केवल 3 राज्य में कांग्रेस मुख्यमंत्री अछन्ति। 2014 मसीह देशर 30 विधानसभा बीजेपी विधायकों संख्या 947 थिला। यह मोट विधायक मानक संख्यार 23% थिला। तेब मोदी शासन में बीजेपी विधायक मानक संख्या देश में लगातार भाव बढ़िवे लगी। वर्तमान देश में यह 30 विधानसभा बीजेपी विधायकों संख्या बढ़ी 1421 मोट विधायकों संख्यार 35%। वर्तमान देशर 4 राज्य विधानसभा कांग्रेस जड़े हेले विधायक नहांती। कांग्रेस अनेक बड़ बड़ नेता दल छाड़ी चली जाऊथिबा देखिबा को मिलुछि। एहा निश्चित भाव कांग्रेस नेतृत्व पर चिंतार विषय बोली राजनैतिक समीक्षक मत प्रकाश करिछन्ति। रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।